न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम। यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक बात, दूसरी बात, अयोध्या में तो हनुमान गढ़ी है ही है, हनुमान जी खुद विराजमान है। दूसरी चीज ये कि हनुमान जी लंका जलाने के बाद बहुत ज्यादा उनका शरीर ज्वलित तो हो गया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ शब्द में नहीं कह रहा जी। आप भगवान श्री राम की जन्म स्थली से तपो स्थली आए हैं धर्मनगरी चित्रकूट में, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमको बहुत शांति मिली। हनुमान जी महाराज को यहाँ भगवान राम जी ने स्थान दिए। भगवान राम जी जिस समय इस मृत्यु लोक का राज करके साकेत धाम के लिए जाने लगे, तब हनुमान जी महाराज को अयोध्या धाम से ला करके अपने कर कमलों के द्वारा हनुमान जी की यहाँ प्रतिष्ठा किए हैं। अपना बाण मार करके सरस्वती नाम की धारा को प्रवाहित किए हैं। ये धारा 12 महीने 24 घंटे हनुमान जी महाराज के बाण मिले में बहती है। दर्शन करने ले आए हैं, घूमने आए थे, मैहर दर्शन कर रहे जाने था, अपने रास्ते में कभी दर्शन कर लिया। क्या कैसे अनुभव कैसे रहा, क्या क्या आपने दर्शन किए? आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे चित्रकूट आए हुए हैं। कहाँ हमारे मित्र का, कहाँ से आए हुए हैं? हम छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर दर्शन? बहुत आनंद की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई हमें। हम लोग बांदा से आए हैं जी, चित्रकूट में। चित्रकूट में दर्शन करने परिक्रमा करनी थी, आज अवकाश था तो इसलिए जो है हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलिए जो है बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा दर्शनीय स्थान है। खास करके जो है सौंदर्यकरण और ये सब बातों का बड़ा अच्छा जो है, बहुत अच्छा। न्यूज में चित्रकूट मध्य प्रदेश सीमा से सटे हुए इस चोटी पे स्थित पौराणिक कथाओं के अनुसार इस वक्त हम मौजूद हैं उस हनुमान मंदिर पे, जहाँ पे आने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं
व रामायण में भी इसका उल्लेख देखने को मिला है। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे सुबह से तकरीबन लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो विभिन्न विभिन्न जगहों से आए और अपनी मनोकामना को पूर्ण किए। बुंदेलखंड न्यूज के लिए चित्रकूट से आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।